नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे ब्लॉग पर। चलिए, आज हम इस ब्लॉग में आपको बताने वाले हैं, ऐसे गांव के बारे बातें करने वाले हैं जो काफ़ी मेहनत से अभी एक शिक्षित हो पाए हैं। जो गांव वाले हैं वो किस तरह से अपना गांव को चला रहे हैं या फिर गांव में अभी क्या हो रहा है, पहले कैसा था और आज कैसा है, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए, ये गांव है झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले प्रखंड मनोहरपुर के जो गांव है बरंगा गांव के जो मुंडा टोला है, उन टोलाओं के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, तो वीडियो पर बने रहिए और इस गांव के बारे में कुछ जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलेगी। ये उन दिनों की तस्वीर है जब पूरे झारखंड में झारखंड स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है, तो इस गांव में भी पूजा किया जाता है। बातचीत कीजिए तो दादा, एक चीज आप हमको बताइए, ये जो ग्राम सभा आप लोग करते हैं, इसका आप वन समिति का आपका अध्यक्ष होने के नाते क्या क्या काम आपको जिम्मेवारी है आपके? अध्यक्ष के नाते जो यहाँ पर जो ग्राम सभा होती है उसका हमारा कर्तव्य बनता है कि उन ग्राम सभा में आदमियों को एकजुटता लाने के लिए, और वहाँ पर ऐसे आता है आदमी कि उनको समझाना में थोड़ा सा ऐसे दिक्कत होती है, तो ऐसे वाला तो हम लोगों ने बहुत सब समझा देते हैं कि ग्राम सभा में आ करके हम लोग को ये हम लोग का बेनिफिट होगा बोल के उन लोग को शांत कराता है, नहीं आधा सा तो पी के आता है उन लोग को समझाने में थोड़ा सा हम लोग को समय लग जाता है। तो जैसे आप एक जैसे जंगल पे अधिकार एक बोला जाता है कि पेशा कानून के अंदर में जंगल ग्राम सभा का अधिकार होता है जंगलों पर, ठीक है, इस अधिकार के अंदर में आप लोग क्या क्या काम अभी तक किए? इस अधिकार के या से तो हम लोग खाली मैंने हम लोग क्या बोलेंगे ग्राम सभा से हम लोग लिखित करके हम लोग जैसे बगल से NOC लिए हैं बगल गांव से, उसके बाद लिख के जो प्रोजेक्ट है उसको हम लोग भेज दिए हैं आगे मैंने CO DDO और DC तक हम लोग भेज दिए हैं। और क्या, और इनसे बगल से ले लिए हैं उन लोग से भी हम लोग जा के उन लोग को समझाया ऐसे ऐसे मैंने इसको रक्षा करने से हम लोग को फायदा है और आप लोग भी थोड़ा सहयोग दीजिए बोल के उन लोग से हम लोग ने राय विमर्श और बात से सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद जो जाते मैंने पेपर बाजी में हम लोग कर लेते हैं तो वो लोग समझ में आ जाता है। तो अगर बगल का टोला से जब NOC लेने गए तो उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं हुआ? हम लोग पहले से जानकारी दे दिए थे मैंने बिना बैठक से, उसके बाद बगल बगल में गांव अगल बगल में ग्राम सभा बैठक हो गया था ना, उसमें उन लोग को मालूम हो गया कि इन लोग क्या करने जा रहा है बोल के उन लोग को समझ में आ गया तो झगड़ा जाते थे। बरंगा गांव में जब भी जो जंगल की समस्या होती है, जैसे आप लोगों को बता दें कि धूप के सीजन में जब महुआ का सीजन आता है
लोग महुआ को चुनने के लिए पहले महुआ के जो पेड़ है, पेड़ों से जो गिरने वाले पत्ते होते हैं, पत्तों को साफ करने के लिए वो पत्ते को साफ करके उस पर माचिस लगा देते हैं। माचिस लगाने के बाद होता क्या है, जो आग लग जाता है महुआ गाछ के नीचे में, तो वहाँ से जलते हुए वो आग बिल्कुल जंगल की ओर चला जाता है। तो उस तरह से पूरा जंगल आग में जलने लगता है, झुलसने लगता है। तो यहाँ के जो टोले के लोग हैं, तीनों टोलों के, जैसे ऊपर टोला, नीचे टोला और टोला गुटी ना सके, ये तीनों टोला के लोग मिल करके यहाँ के जो भी चारों साइड आपको जंगल दिखेगा, दिख रहा है, वो जंगल को वो लोग बचाने के प्रयास करते हैं। तो किस तरह से वो लोग प्रयास करते हैं आप वीडियो पर देख लीजिएगा। अभी बातें करते हैं कि बरंगा गांव के लोगों को जंगलों से क्या मिलता है, और लोगों को जो बरंगा गांव के जो भी टोले के लोग हैं, इन लोगों को जंगलों से इतना लगाव क्यों है, और ऐसा क्या मिलता है जिसके वजह से जब आग लगती है तो वो लोग अपने जान की परवाह ना करते हुए वो लोग जंगल में चले जाते हैं आग को निभाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को बता दें कि यहाँ जो गाँव के लोग हैं उन लोगों से भी बातें करेंगे, फिर कुछ टिप्पणी है जो अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे कि जंगल में आपको लकड़ी मिलता है, पत्ता मिलता है और कई प्रकार के फल मिलते हैं, तो उन फलों को वो खा भी सकते हैं, और ऐसा भी कुछ फल होते हैं जिसको बेचा जाता है। जैसे अब महुआ और डोरी, वो तो आम बात है, वो कभी मार्केट में हर दिन अभी भी आपको बिकता हुआ नज़र आएगा। फिर हो गया लकड़ी, लकड़ी को लोग काट भी सकते हैं, अपने घर के लिए यूज भी कर सकते हैं, जैसे घर बनाने के लिए, और सबसे ज़रूरी तो घर बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है। फिर जो खाना उना बनाते हैं, देहात एरिया में अधिकतर गैस चूल्हा का सुविधा नहीं होता है, इसलिए जंगल का लकड़ी से ही वो लोग खाना बनाते हैं। तो पहले तो ऐसा था कि जंगल को काट करके लोग लकड़ी को बेचने के लिए बाजार लेके जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्राम सभा का बैठक जब से शुरुआत हुआ है तब से गांव में बहुत सुधार आया है। तो इस बारे में कुछ जानकारियाँ हैं जो यहाँ ग्राम वासियों के साथ बातचीत किया गया, चलिए आपको बताते हैं। आए दिन गाँव के विकास और जंगलों की रक्षा हेतु ग्राम सभा बुलाई जाती है। गांव के लोगों को अपना हक और अधिकार के बारे ग्राम सभा में बताया जाता है। यहां के लोगों को शिक्षित किया गया और अब वे काफी समझदार हैं। जंगलों के बारे में, जंगलों में पेड़ की कटाई से और पेड़ों को लगाने और जो वहां से प्राप्त होने वाले सभी फल, पत्ते, लकड़ी, दत्वन, जड़ी बूटी, इन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी दिया गया। सामाजिक कामों में उपयोग में लाया जाता है साल का पेड़ से जो भी काम होता है। आदिवासी इलाके में साल का पेड़ ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इस पेड़ के पत्ता, इसके डाली जो दत्वन के रूप में उपयोग में लाया जाता है, और पत्तों से जो पत्री बनाया जाता है और खाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।
और जो केवंद होता है वो बहुत ही मीठा फल होता है, इसे खाने में भी बहुत ही मज़ा आता है। साल के पत्तों से बनाया जा रहा है जो पत्री है, दोना और पत्री साल के पत्तों से तैयार किया जाता है और हमेशा सामाजिक कामों में इसे उपयोग में लाया जाता है। साल के पेड़ को आदिवासी लोग सिंह बोंगा मानते हैं। पूजा पाठ भी साल के पेड़ के नीचे ही पूजा पाठ करते हैं और साल के पत्तों से माने हर चीज इसी पेड़ों से संबंधित काम होता है। बहुत सारा मिल जाता है, जैसे महुआ हुआ, केंदू हुआ, चहार हुआ, केंदू पत्ता हुआ, साल पत्ता हुआ, और इसमें ऐसे जड़ी बूटी भी हम लोग को मिलता है, या मना क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कुछ पौधा ऐसे है कि जो मैंने लगने के बाद उसको पीस उस करके कोड़ करके लगा देने से उसको आरामदायक आ जाता है। जब ये जंगल से जो आप लोगों के अधिकार में आप लोगों ने जो दावा पत्र दिए हैं उनको, ठीक, तो आ जाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट आपको दिखता है? बहुत सारा बेनिफिट आ जाएगा सर, उसमें हम लोग का जैसे क्या बोला मैंने हम लोग को जो अभी तो अधिकार जैसे कटने से हम लोग को बहुत मैंने घर पकड़ करने के लिए हम लोग को थोड़ा डर है, और जब अधिकार मिल जाने से तो जैसे हम लोग सामूहिक से जो चीज़ भी हम लोग काम करेंगे तो उसका बेनिफिट हम लोग को मिल जाएगा। और जो क्या बोलते हैं अगल बगल में जो मन गरीबी है वो लोग से दूर हो जाएगा, उन लोग को भी फायदा हो जाएगा। तो इन सब के बीच में आप लोगों को जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह क्या सहयोग करता है? हाँ सर, सहयोग करता है और बुलाते भी हैं। एक कहानी आप हमको बताइए, आप हमको बता रहे थे वो जो आप लोग रैली निकालने वाला गए थे और कैसे कैसे क्या हुआ था वो? रैली जैसे बैठक करके हम लोग मुंडा से हम लोग विचार किए तो वहाँ बैठक हुआ कि हम लोग रैली निकालेंगे ताकि अगल बगल को जानकारी को हम लोग दे दें कि हम लोग नारा लगाए थे कि ये लकड़ी काटना मना है और जंगल बचाओ हम लोग का अधिकार है, ऐसे करके नारा लगा के हम लोग बहुत दिन ऐसे करके नारा लगाते हम लोग पहुँच गए। उसके बाद तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम लोग जानकारी दे दिए थे और या तो प्रशासन, उसके बाद वो लोग के साथ भी फिर कुछ दूर हम लोग राय लेकर के आ गए और अपना बैठ के हम लोग विचार विमर्श किए कि देखो ऐसे करने से हम लोग को बहुत सारा फायदा होगा और हम लोग बचाव करने के, जैसे कोई गरीबी स्थिति में हो गया तो उसका जैसे लकड़ी नहीं रहेगा तो कहाँ से होगा, और जैसे बोले फॉरेस्ट विभाग भी जैसे कोरोना काल में हम लोग को शुद्ध हवा जो खेती में भोग के हम लोग चलते हैं और किस जंगल में रहने वाला को कोई दिक्कत नहीं होगा, पेड़ पौधा से हम लोग को अच्छा शुद्ध हवा मिल जाएगा, बल्कि हम लोग को कोरोना का अपना प्रकोप नहीं पड़ा। सामुदायिक पट्टा के लिए जैसे हम लोग ग्राम सभा से हम लोग बात किए सकते हैं, ग्राम सभा में बात किए तो उनसे सुनने से हम लोग को बहुत अच्छी तरह से आगे चल करके हम लोग को कोई प्रशासन हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हम लोग को कोई हम लोग का एक्शन नहीं ले पाएगा बोल के हम लोग ने ऐसे चर्चा किए, और उसके बाद जो पेशा कानून के तहत पर हम लोग जो प्रोफेसर ने गिरई सर बताए हम लोग को उनके साथ उसका मार्गदर्शन पर ही हम लोग चले और उसका पेपर करते हुए हम लोग जैसे
बहुत अच्छे अगल बगल से हम लोग बैठकर करके हम लोग मैंने सी ओ भी वीडियो को दे करके डी सी तक को भी हम लोग दे दिए हैं। तो इन सबसे पंचायत तक का भूमिका होता है? पंचायत तो भूमिका है सर, लेकिन वो लोग अपना ध्यान ही नहीं देता है। जैसे हम लोग जैसे आदत है कराहाना तक, तो इसके बारे में हम लोग मुखिया को भी बुलाए तो इस ग्राम सभा में वो नहीं है, तो इसीलिए हम लोग अपना ग्राम सभा से ही हम लोग विचार लगाए कि यहाँ का जो ग्रामीण है वो लोग से हम लोग विचार लगाए कि हम लोग ऐसे जंगल बताने से ऐसे है, उधर से दूसरे तौर पर हम लोग को सहयोग नहीं मिल रहा है। जैसे मुखिया वो लोग सहयोग नहीं दे रहा है, तो हम लोग फर्स्ट बात के सहयोग से ही हम लोग जैसे कोई कटता है तो उन लोग को धर पकड़ करने के लिए कोई तो हथियार भी उठा लेता है ना सर, तो उस चीज़ के वंचित के लिए हम लोग फर्स्ट बात के साथ हम लोग रखने का कोशिश करते हैं। और एक और लास्ट सवाल हम पूछते हैं, जो इतना सारा जो जंगल में आग लगने का विकल्प भी देखे सकते, इसको कैसे आप लोग ग्राम सभा से मदद करते हैं या फिर क्या करते हैं? ग्राम सभा से हम लोग ने पहले ही निर्णय ले चुके हैं सर, जहाँ पर भी आगे जल जाता है तो हम लोग देखते हैं, तो उसके अगल बगल गांव से हम लोग अभी तो फोन सिस्टम है सर, फोन करके हम लोग बुला लेते हैं और एक साथ जा करके हम लोग उसको मैंने बाउंड्री का मैंने झाड़ू करके साफ करके भी उसका करते हैं, उसके बाद उसका निजाने का हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है जो आग लगाए पकड़ा गया आप लोग जुर्माना वगैरह की? तो ऐसे तो नहीं पकड़े हैं सर, किस लिए वो मैंने जा करके क्या होता है, जैसे अभी इस किनारे पर जला देने से मेरा साथ होगा, ऐसे तो नहीं जलाया वो लोग, किया चुपके से जाके बीच जंगल में जला दिया, उसमें से इधर भी जल रहा है उधर भी जल रहा है, तो हम लोग को पता नहीं चला कि कौन इधर से जलाया कि क्या किया वो तो ऐसे, इसीलिए हमने अभी तो उसके लिए दही नहीं पकड़े हैं। कई बार लकड़ी उकड़ी काटने वाला भी केस वगैरह आया तो फिर वो लोग के साथ क्या करते हैं? तो वो लोग के साथ हम लोग बोलते हैं कि ऐसे है तो मैंने दादू कटाई नहीं करना है, जो अच्छा लकड़ी है उसको मत कटिएगा, जो टेढ़ा मेढ़ा है उसी का हम लोग काट करके अपना राशन पानी के लिए मैंने खाना वाना पकाने के लिए हम लोग यूज करेंगे बोलते हम लोग उन लोग को समझा देते हैं। पकड़ाने पर हम लोग भारी दंड का तो हम लोग लिखे हैं नियम, तो भारी दंड का ऐसे जो पकड़ा जाता है तो वो ऐसे दंड लेते हैं, तो बहुत अति गरीब है सर, उसको कहाँ से दंड देगा, तो उसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, समझा देते हैं कि ऐसे मत करना और जो हो गया सो हो गया बोल के हम लोग समझा देते हैं। एक आखिरी सवाल लगा, कल के दिनों में जंगल से आधारित ठीक है भविष्य में और क्या क्या चीज़ को आप देख रहे हैं बचाने को लेकर? बचाने को लेकर हम लोग सोच रहे हैं ना भविष्य में, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे अभी वैसे ऐसे जगह पर है जो पूरा पथरीला ही हो जा रहा है, वहाँ पर हम पेड़ पौधा लगा देंगे तो वहाँ पर और भी हम लोग का जैसे कुसुम पेड़ में हम लोग वहाँ पर उग जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो उसमें हम लोग ला छोड़ेंगे तो उसमें भी हम लोग को बेनिफिट होगा, तो ये हम लोग सोच करके अपने जंगल को बचाव करने के लिए हम लोग। टोला घुटी नशा के लोगों को सड़क ना होने की वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि एम्बुलेंस का आना जाना गांव में नहीं होता था, कोई भी पेशेंट को खटिया के सहारे जंगल से नीचे उतारा जाता था। ऐसे परेशानियों का हल निकालने के लिए रास्ता बनाने का ठान लिया, अब गाड़ियों का आना जाना घर तक होता है। दादा एक बात बताइए, जो आप लोगों का बहुत पहले से हम लोग जब आए थे तो सुने थे आप लोग सड़क रोड भी बनाए थे गांव में आने जाने के लिए, कहानी क्या है? तो उस समय का जमाने में देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की ओर से बन रहा है हम लोग को वहाँ असुविधा हो रही है, तो हम लोग अपना से 1.5 घंटा करके खोद खाद के आप रोड तैयार किए, अभी सरकार ले ली अपना रोड बना रही है। तो ये जो सबसे पहले कब से आप लोग कब बनाए थे ये सड़क को? ये सड़क आपको रास्ता बनाने को लेकर के अभी तक 70 साल के आसपास पूरा हो चुका है। आप लोग खुद से? खुद से। कैसे, कोई पैसा दिया था कि नहीं?
हम लोग को असुविधा हो रही थी चढ़ने उतरने में, सबसे ज़्यादा तो वही घाटी में। घाटी को पत्थर ऐसे चटा लगा है जहाँ बेल गाछ है ना, वो नीचे से हम लोग पार होते थे। अभी ऊपर बना लिए तो ऊपर से अभी हम लोग का आना जाना रास्ता। अभी इधर सिरका लॉन्ग में भी जोर लगाया तो अभी प्रधानमंत्री रोजगार योजना बन गया, रोड आराम है। यहाँ जाने आने में इन लोग को भी, स्कूल बच्चा लोग को भी, कॉलेज वालों को भी, हर सब्जी भाजी सब चीज़ को यहाँ से सुविधा उन लोग। तो पहले अगर ये रोड नहीं था और अगर आप लोग कोई गाड़ी को ऊपर लाना है तो कैसे लेके आते? गाड़ी उड़ी नहीं चलती थी, हम लोग को मारी नीचे तक ढो के, खटिया से ढो के ले जाके अस्पताल लेना पड़ता था। मरीज को कोई भी हॉस्पिटल ले जाना खटिया से ले के नीचे तक, जहाँ अभी स्कूल है ना वहाँ तक हम लोग ले जाते थे। वहाँ से वो भी कच्चा रोड था, अभी फिलहाल वो भी बना है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो फिर जैसे फिर आप लोग क्या क्या गांव वाला को क्या बोले कि आप लोग कैसे रोड बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे? नहीं, हम लोग किसी गांव को नहीं बोले थे। जो रोड शुरू हुआ ना, हम लोग अपना इसी टोला का ही आदमी, प्रत्येक घर से एक एक दो दो आदमी निकलते थे और बस डेढ़ घंटा ही खोदते थे डेली। इस तरह से वो रोड, फिर सरकार ने अपना जो कॉरपोरेशन भी थोड़ा सा मदद किया, वो भी कहा कि यहाँ से जो लकड़ी उकड़ी निकाला ना वो भी थोड़ा मदद किया, रोड बन गया। तो आप लोग कभी इसको फिर रोड बनाने के लिए सरकार को आप लोग आवेदन दिए थे कि नहीं, ग्राम सभा सबसे? नहीं। क्यों? वो तो शायद यहाँ कोई दिए होंगे, हमको तो उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, सिरका वाला भी जोर लगाया तो यहाँ हम लोग जमीन, अपना परिवासी जमीन को छोड़ दिए ताकि रोड बने। ये सब निजी परिवासी जमीन सब है, यहाँ रोड तो नहीं था, आगे छोटा मोटा रास्ता। इन लोग जितने भी अभी उस पार के आदमी सब उधर से घूरते थे, पटका होकर के, कुर्थाबिरा होकर के, अभयपुर होते हुए, तब उन लोग का घर यहाँ, ये नीचे में पहाड़ के नीचे में घर था। जितने भी यहाँ काम कर रहे हैं इन लोग भी और सब भी, जितने स्कूलिया बच्चा सब अभी इधर ही से सब आना जाना करते हैं। ठीक है बाबा, ठीक है। तो दीदी से एक बात बताइए कि हम सुनने में आया कि आप लोग इस सड़क में काम किए थे खुद से, तो वो कहानी क्या है? हम लोग यहाँ पर क्या कि मतलब रास्ता जो छोटा सा था तो आने जाने में दिक्कत होता था, जैसे हम लोग गाड़ी सब साइकिल से हम लोग नीचे ही छोड़ देते थे, तो इसलिए बाद में फिर हम लोग बात किए। फिर पहले तो कुछ दिन तो जैसे सप्ताह सप्ताह निकलते थे, फिर बाद में हर दिन फिर सुबह सुबह एक घंटा डेढ़ घंटा सुबह जैसे 5 बजे में निकल के 6:30 बजे 7 बजे उस तरह का डेली का काम करके थोड़ा सा हम लोग चौड़ा किए, जैसे थोड़ा सा ये सब जैसे मोटरसाइकिल सब हुआ, साइकिल सब आना जाना होने जैसे, पहले वो सब नहीं आता था। कभी ऐसा घटना सब हुआ कि गांव में गाड़ी नहीं आया, एम्बुलेंस वगैरह किसी को ज़रूरत पड़ा और उसके चलते कुछ परेशानी या फिर कुछ ऐसा? हाँ, सबको मतलब जो भी उस तरह का इमरजेंसी पोजीशन में ना, उसको खटिया में ढो के नीचे तक ले जाते थे। गांव में कैसे कभी ऐसा हुआ था? हाँ हुआ है। हाँ, प्रेग्नेंट वुमेन को एक जन वैसे ढो के ले गए थे, उसके बाद एक जन जल गए थे, उसको भी नीचे तक ढो के ले गए थे, फिर नीचे एम्बुलेंस आई थी, फिर वहाँ से फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। कुछ अनहोनी नहीं हुआ था? हाँ, अनहोनी तो नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ढो के ले जाना पड़ा। तो फिर दीदी आप हमको एक बात बताइए कि जब ये सारा चीज़ हो गया, हाँ, ठीक है, तो उसके बाद आप सरकार अभी देख रहे हैं कि सरकार रोड बना रही है, तो कैसे बना रही है? आप लोग कुछ लिख पढ़ के दिए थे क्या? हाँ, हम लोग दिए थे ग्राम सभा करके। क्या वो कहानी बताइए तो फिर कैसे क्या क्या हुआ था? हम आपसे सीधा ही सवाल पे ही आते हैं, ठीक है। तो हम जानना चाह रहे थे कि ये जो सड़क वाला जो था, हम लोग जब भी आए तो आप लोग उसका कहानी बताए थे, वो एक पूरा कहानी आप हमको बताइए तो कि कैसे कैसे परेशानी होता था और गांव वाला किस तरीके से उसको सॉल्व किया था। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर जो गांव बसा था उसमें एकदम बिल्कुल ही रोड नहीं था, एकदम पगडंडी वाला जो जंगल में चढ़ने वाला रास्ता था वैसे ही रोड था, ठीक है, उस तरह का ही पगडंडी रास्ता ही था। फिर बाद में जो है ना, धीरे धीरे जैसे डेली डेली जो आना जाना हुआ और जैसे बुजुर्ग लोग थे
उस समय अपने से वो लोग धीरे धीरे करके जो है ना, जैसे ये जो जहाँ जहाँ जा रहे हैं झाड़ी उड़ी सबको काट करके वो रास्ता बनाए। फिर बाद में धीरे 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 करके लोग जैसे कोई स्कूल जाने लगे, कोई कहाँ क्या जाने लगे, तो आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उस समय जो है ना हल्का सा केवल आदमी चलने लायक कुदाल से वो लोग खोदे, गैंचा से खोदे और चलने के लायक रास्ता बनाए। फिर कालांतर में फिर धीरे 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 करके जो है ना संख्या बढ़ती गई यहाँ पर, तो हम लोग को एक एहसास हुआ, हम लोग को एक ज़रूरत भी हुआ कि हम लोग को साइकिल तो हम लोग नीचे छोड़ रहे हैं, इसको हम लोग गांव तक अपना घर तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। ऐसे सोच में आया तो हम लोग कैसे करेंगे, तो फिर अभी टोला सभा हम लोग करने लगे। टोला सभा करने लगे तो उसमें विचार आया, सर्वसम्मति से हम लोग फैसला किए कि नहीं हम लोग रास्ता बनाएंगे। रास्ता बनाएंगे तो हम लोग को हर कोई को श्रमदान करना पड़ेगा, हर कोई को श्रमदान करना पड़ेगा, हर परिवार से आना पड़ेगा। एक नियम बनाए कि जिस परिवार से जो काम करने नहीं आएगा उसको हम लोग 50 रुपये का जो आर्थिक दंड है वो हम लोग अपना जो ग्राम सभा में या टोला सभा में हम लोग उसको पारित किए कि जो नहीं आया, जो एबसेंट आया उस परिवार से 50 रुपये हम लोग फाइन लेते हैं। तो उसका डर से लोग जो है ना वहाँ पर सुबह सुबह जो है ना 5 बजे कभी 5:30 बजे काम करने आते थे और 6:30-7 बजे तक हम लोग काम छुट्टी करते थे। वैसे करते 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 हम लोगों का रोड जो है ना साइकिल सब चलने के लायक हो गया। फिर बीच बीच में जैसे प्रसव के समय में बहुत दिक्कत होता था, हम लोग यहाँ से खटिया में डो के पहाड़ नीचे तक जो स्कूल है वहाँ तक ही चार चक्का सब गाड़ी आती थी, एम्बुलेंस वगैरह, तो गाड़ी वहाँ खड़ी रहती थी और हम लोग इधर से खटिया में ढो के हम लोग ले जा रहे थे। तो हम लोग को इसमें बहुत सारा तकलीफ हो रहा था, कभी खटिया में जैसे आगे 2 जन ढोए हैं, पीछे 2 जन ढोए हैं, आगे वाला नीचे हो रहा है, ऊपर वाला ऊपर हो रहा है, तो इसमें जो है ना पेशेंट को भी अपने खटिया से नीचे गिरने का डर रह रहा था। तो हम लोग उसको मतलब देखे कि सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है ना वो बीमारी के समय, जब कोई बीमार होता है तो उस समय हम लोग को ये सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलना पड़ता है। तो ये सोच के जो है ना हम लोग सोचे कि चलो इसको हम लोग कम से कम एम्बुलेंस आए उतना हम लोग रोड बना लें। फिर ये हम लोग का काम रेगुलर चलते गया। फिर आप जो है ना मतलब एम्बुलेंस चलने लायक हम लोग रोड बना दिए, और रोड बनने के बाद इधर जो सिरका वाला सब है वो लोग भी हम लोग को देख करके वो लोग भी इधर बनाने शुरू कर दिए। जब इधर लोग बनाने शुरू किया तो हम लोग एक ग्राम सभा बैठक किए दोनों गाँव का मिला के कि हम लोग चलो हम लोग यहाँ से जो बरंगा से सिरका तक जाने वाला जो ये घुटनासा होते से जाएगा इसमें हम लोग रोड बनाएंगे, ये विचार में आया। फिर इसके लिए जो है हम लोग ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित किए कि हम लोग को ये बरंगा से सिरका तक 2.5 किलोमीटर हम लोग को रास्ता चाहिए, और बीच में ये फॉरेस्ट डिपार्ट है, फॉरेस्ट डिपार्ट तो हम लोग को ध्यान ही नहीं हुआ था कि हम लोग को इसको भी देना चाहिए, तो हम लोग ऐसे ही दे दिए। संसद मांग रहे थे, संसद को दे दिए, विधायक को भी दे दिए, इधर DMFT से भी दिए थे और DC को भी दिए थे कि हम लोग को इस तरह का तकलीफ हो रहा था। तो बीच में जो है ना सर लोग आ रहे थे कोई स्कूल का जांच में, उस दौरान इधर में सिरका के बच्चे और इधर हम लोग का गुटीनासा के बच्चे लोग स्कूल से आके वहाँ पर साइकिल छोड़ रहे थे, और साइकिल छोड़ रहे थे तो यहाँ पर जो पैदल जा रहे थे तो सर पूछे कि अरे यहाँ पर ये लोग इतना साइकिल छोड़ के जा रहे हैं, उधर क्या करने जा रहे हैं? नहीं बताया कि नहीं सर उधर भी गांव है, रेवेन्यू विलेज है। तब वो सर लोग भी बोले कि नहीं आप लोग ग्राम सभा करके दीजिए, हम लोग फिर आगे का कार्रवाई करेंगे। तो फिर हम लोग ग्राम सभा किए, फिर हम लोग उसको लिखे, फिर बाद में उसको भेजा गया, सांसद को भेजा गया, DC को भेजा गया। उसके बाद ये जो है ना अब हम लोग का ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये रोड सेंक्शन हुआ ये 2019 में। अभी फिर 1 साल तो काम बंद हो गया था बीच में लॉकडाउन के दौरान, तो अभी भी ये काम हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि अगर ग्राम सभा अगर आप लोग नहीं करते तो फिर ये सड़क बनता नहीं? ग्राम सभा यदि हम लोग नहीं करते तो ये सड़क नहीं बनता, क्यों? क्योंकि हम लोग ग्राम सभा करके ही जो है ना ये जैसे जो ज़मीन है ये हम लोग का पूरा निजी रैयत ज़मीन है, इसका हम लोग रेवेन्यू देते हैं। यदि ग्राम सभा हम लोग नहीं करते ना तो कोई भी मैंने अपना ज़मीन को इस ये रोड के लिए दान में नहीं देता। जैसे चलिए मानते हैं हम लोग वहाँ से उधर तो हम लोग दे देते कि उधर हम लोग को चलना है, लेकिन बात रहा यहाँ से इधर सिरका वाला को,
तो सिरका वाला भी रिक्वेस्ट किया था कि हम लोग को भी मैंने इधर से रोड बनाएंगे बोल, तो तब जो है ना हम लोग भी उन लोगों को बोले कि ठीक है हम लोग तो सारा मैंने ये कर रहे हैं ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन अगला आप लोग का जो मेन जो रोड है वहाँ तक आप लोग को भी अपना ज़मीन दान में देना। अच्छा, इसमें बीच में और एक कहानी अभी हम सुनने में आ रहा था कि रोड नहीं था तो एक बच्ची डेथ कर गई थी, क्या था वो कहानी? वो जो है ना इसको जैसे उसका तबीयत खराब हो गया और वो जो है ना मतलब उसको मतलब तत्काल इलाज की आवश्यकता था, तो तत्काल में फिर हम लोग का गाड़ी भी तो नहीं पहुंच पाता है यहाँ पर, तो जिस वजह से उसका ऐसे मतलब घटना घट गया। और उसे भी एक जल गई थी बहू है, तो उसका भी यही जल गई और हम लोग तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किए तो एम्बुलेंस फिर बोला कि हम लोग तो ऊपर नहीं चढ़ेंगे नहीं चढ़ पाएगा, तो फिर हम लोग उसको भी खटिया में ढोके ले गए। तो इस तरह से मैंने कोई भी सारा जो जड़ है वो मैंने तकलीफ के समय जो बीमारी के समय है ना वो ही मेन जड़ है, उसको ही सबसे बड़ा समस्या हम लोग का वो था जो आज हम लोग का ये इस रोड बनने के बाद में ये सॉल्व हो रहा है। लॉकडाउन में तोला घुटी न सके लोग अपना एक वक्त का खाना बचाकर अपने पड़ोसी टोलों में बुजुर्गों में बांट दिया। इससे साफ पता चलता है कि इन लोगों में इन तीनों टोलों में कितना एकजुटता है। গাঁর লোক একদিন হলে খাই সরকার পাহাতে সরকার পাহাতে এমত না লেকিন সরকার পাহাতে আবু হাতু আলে মানে গুটি নেছে এনকু ইনকু সময় উড়ুকুড়া চিকা নিকা নিকা তো না জলা কুচ কুচ হুড়ুক হাতু রেন হোক বুদ্ধিঙ্গা কো মিট সাঞ্জে মাডিবু মাকো মেনতে নিকা বেন নাম কিলো তো গুটিনে সেরেন তো এমত না আপনার জীবন চিনকে বেন আদা এখন বগেন গিরিঙে ডাকি দাঁড়া টিকে তো গরাত তো কাঁকে দিয়ে কিনে কাগে মানে নিকান পাইটি কো পাইটি তে আচ্ছা হি চিকা পাইটি তে আচ্ছা ঠিক আছে আবে আবে নকনা বেন জায়গা রে আচ্ছা ইনা পুরো দেশম রে লাকুলে तो साथियों आशा करते हैं कि ये जो वीडियो हमने बनाया था आप लोगों को अच्छा लगा होगा और हमारा यही कोशिश रहेगा कि जिस तरह से आज हम बरंगा गांव के टोलों के बारे में वीडियो आप लोगों को बना के दिया उसी प्रकार हम दूसरे गांव में भी जा करके वहां पर जो तरक्की उन लोगों ने किया कैसे किया तो हर चीज़ जो जानकार लोग हैं उन लोगों से मिल करके आप लोगों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और साथ ही दोस्तों इस गांव के बारे में और लोगों को भी जानना चाहिए क्योंकि यहां के लोग किस तरह से जो जीवन को यापन कर रहे हैं उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होना चाहिए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को जो भी है आपको इसे शेयर करना होगा अपने दोस्तों के साथियों के साथ आसपास की हर जगह आपको शेयर कर देना होगा ताकि लोगों को पता चले कि आखिर ऐसा भी होता है। तो
ऐसा ही वीडियो देखने के लिए आप अभी तक हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जो कहीं भी जाऊँ पहला वीडियो जो भी शूट करूँ सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाएगी। तो चलिए उम्मीद रखता हूँ आप हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।